अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैर से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू एचएसए गैलरी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक एचएसए गैलरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे सीरीज, ये 10 से 20 साल पुरानी सीरीज हैं और मैं इनके साथ क्या करूँगी। पहले तो मैंने भी सोचा कि मैं इनके साथ क्या करूँगी। देन आई डिसाइडेड कि मैं इन पर पेंट करूँगी और बहुत से अमेजिंग पेंट के साथ मैं इनको कस्टमाइज़ करूँगी। आई एम गोइंग टू कस्टमाइज इट। देन डाउन वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिटी को क्लियर कर लूँगी। सिटी को कैसे क्लियर करते हैं, इस पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा। देन आई अप्लाई अ कोट ऑफ जैसो। अगर आपके पास जैसो नहीं है तो टोटली फाइन, कोई बात नहीं, आप व्हाइट एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से जैसो अप्लाई करूंगी, एक से दो कोट करूंगी। देन आई स्टार्ट पेंटिंग। सो मैं अब पंच पिंक कलर अप्लाई करूंगी। और ये मैंने कैसे बनाया है, इसका मैंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है शॉर्ट्स में, आप जाकर देख सकते हैं वो अभी, और ये लिंक भी आपको ऊपर शो हो रहा होगा। देन मैंने एक बेसिक सा स्केच ड्रॉ कर लिया, एक रेफरेंस बना लिया। अब मैं इसमें पेंट करूंगी। इस आर्ट पीस में मैंने 3 शेड्स यूज किए हैं और वो तीनों शेड्स आपको शो हो रहे होंगे। और अब मैं जल्दी से ये आर्ट कंप्लीट करती हूँ और आप देखिए मैं कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली स्ट्रोक्स यूज करने का बहुत शौक है, तो मैं इस पेंटिंग में हल्का सा स्ट्रोक का टच दूंगी। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपके पास आए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप फौरन से मेरी वीडियो देख सकें। एंड मैंने एक क्लियर सिटी पर पेंटिंग की है, आप विदाउट क्लियर सिटी पर भी पेंटिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। ज़रूरी नहीं है फॉइल को रिमूव किया जाए सिटी से, आप विदाउट रिमूविंग भी जैसो डायरेक्ट अप्लाई करें उसके ऊपर, उसको यूज़ कर लें। अब मैं फैलो ग्रीन की हेल्प से ग्रास की अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगी और उसे फिल कर लूँगी। ये इतना खास नहीं लग रहा, देन इस पर रियलिस्टिक लुक लाने के लिए मैं इस पर आउटलाइंस कर दूँगी ग्रीन की और मज़ीद इस पर लेयर्स बना दूँगी ग्रास की। लेयर्स बनाने के बाद देन मैं अप्लाई करूंगी लेमन येलो कलर, और लेमन येलो कलर को मैं ग्रीन में ब्लेंड करूंगी। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ब्लेंड करना ताकि स्ट्रोक का टच आ सके। मज़ीद डिटेलिंग देने के लिए मैं व्हाइट एक्रेलिक पेंट को यूज़ करते हुए डॉट्स लगाऊंगी आउटलाइंस पर। इन डॉट्स की हेल्प से थोड़ा सा रियलिस्टिक और प्यारा सा लगेगा और एक प्यारी सी लुक आ जाएगी। देन मुझे इसमें अभी भी थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है कि कुछ और भी होना चाहिए उस पर। देन मैं डॉट्स अप्लाई कर दूंगी और डॉट्स अप्लाई करने के बाद मैं साइड पर एक और ब्रांच ड्रॉ करूंगी और उसको भी वैसे ही कंप्लीट कर लूंगी जैसे मैंने पहले की थी। देन आउटलाइंस पर मैं व्हाइट एक्रेलिक पेंट से डॉट्स लगाऊंगी, देन ये आर्टवर्क कंप्लीट हो जाएगा। आप बताएं कि आपको मेरा ये आर्टवर्क कैसा लगा। डिजाइन नंबर 2, मैं ब्लैक एक्रेलिक पेंट यूज करूंगी। ये है मेरी बॉटल की कंडीशन। जैसो इस पर मैंने पहले ही अप्लाई कर लिया था। अब मैं ब्लैक कलर को अच्छे से ब्लेंड करूंगी और मैं एक रेड कलर की हेल्प से एक 0 सीरीज का ब्रश लूंगी और उससे स्ट्रॉबेरीज ड्रॉ करूंगी। मैंने व्हाइट और रेड को मिक्सअप करके एक लाइट रेड में पहले स्ट्रॉबेरीज बनाई, देन मैं रेड का एक डार्क कलर यूज़ किया ब्लड रेड, फिर वो इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। एक प्रोमिनेंट शेड आ जाएगा रेड का ब्लैक के ऊपर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा कौन सा आर्टवर्क ज़्यादा अच्छा लगा है, डिज़ाइन नंबर 1 या डिज़ाइन नंबर 2। आगे मैं डिज़ाइन नंबर 3 और 4 भी दिखाऊंगी, वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैंने डार्क रेड कलर अप्लाई करने के बाद अब मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज मेंशन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ तो काइंडली इंस्टाग्राम को और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि मैं कोई भी पोस्ट या कोई भी रील अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। देन मैं हर स्ट्रॉबेरीज पर उसकी लीव्स बनाऊंगी और लीव्स कंप्लीट करने के बाद मैं स्ट्रॉबेरीज में व्हाइट कलर की हेल्प से डॉट्स लगाऊंगी। इनमें मैं इतनी रियलिस्टिक लुक नहीं लाई, बस जस्ट शो किया है कि ये स्ट्रॉबेरीज ही हैं। मुझे स्ट्रॉबेरीज इतनी खास पसंद नहीं है। आप लोग बताएं आप लोगों का फेवरेट फ्रूट कौन सा है। अगर स्ट्रॉबेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। डिज़ाइन नंबर 3, इस सीडी को मैं मॉडर्न आर्टवर्क की लुक देने वाली हूँ। इस पर भी मैंने जैसो अप्लाई कर लिया हुआ है, देन मैंने इस पर एक बेसिक सा रेफरेंस स्केच ड्रॉ किया हुआ है। एक्रेलिक पेंट्स की हेल्प से मैं डिफरेंट शेड्स यूज़ करते हुए उसको फिल कर लूँगी। जो आप देख रहे हैं, मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ और जस्ट एक स्ट्रोक्स की लुक दूंगी। स्ट्रोक्स टच देने के बाद मैं इस पर कुछ ब्लैक शेड से लीव्स ड्रॉ करूंगी एंड देन ये आर्टवर्क भी हो जाएगा बहुत जल्द कंप्लीट। आजकल मॉडर्न आर्टवर्क का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। ये भी मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं है, बट
कहते हैं ना कि हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने इस तरह फर्स्ट टाइम सीडीज पर पेंटिंग की है, एक डिफरेंट सा फील आ रहा है सीडी पर पेंट करके। अदरवाइज मैं पहले लैंडस्केप पेंटिंग ही कर रही थी कैनवस पर, देन आई रियलाइज कि मुझे रैंडम चीजों पर भी पेंटिंग करनी चाहिए, वो चीजें जिनको हम फालतू समझते हैं और फेंक देते हैं, हम उनको कस्टमाइज करके उन्हें न्यू बना सकते हैं। दिस इज अ गुड आइडिया। मेरी मजीद आने वाली वीडियोस भी आपको बहुत अजीब और थोड़ी सी डिफरेंट सी लगेंगी। आप लोग भी सोचेंगे क्या हम इन पर भी पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम फेंक देते हैं बट उन पर भी पेंटिंग की जा सकती है। ये मैंने अपनी छोटी बहन को दिखाई, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी है। डिजाइन नंबर 4। आई होप ये आर्ट वर्क आप लोगों को अच्छा लगेगा। इस पर मैं एक सीनरी सीन ड्रॉ करूंगी एक स्पंज की हेल्प से। बैकग्राउंड के लिए मैं ब्रश यूज नहीं करूंगी, मैं स्पंज की हेल्प से बैकग्राउंड बनाऊंगी, बिकॉज स्पंज से ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने बैकग्राउंड के लिए जो कलर चूज किए है वो कुबार ब्लू, व्हाइट, रेड एंड येलो, ये 4 शेड्स को यूज करते हुए मिक्स और मैच करके मैंने बैकग्राउंड बना लिया। एक्रेलिक पेंटिंग करने के लिए या कोई भी पेंटिंग करने के लिए ऑयल बेस्ड हो, आपके पास बेसिक कलर्स का होना बहुत जरूरी है। बेसिक्स कलर्स को यूज करते हुए बहुत से शेड्स इजिली बन जाते हैं। अब मैंने बैकग्राउंड पर क्लाउड्स बना लिए हैं, एक रफ से क्लाउड्स का टच दे दिया बैकग्राउंड को, एंड देन मैं इसके बाद एक ग्रीनरी शेड दूंगी नीचे एज अ ग्रास, और उस पर कुछ फ्लावर्स की फॉर्म में मैं डॉट अप्लाई करूंगी इन रेड कलर में, एंड देन मैं रेनबो ड्रॉ करूंगी और फिर मेरी ये आर्टवर्क हो जाएगी कंप्लीट। अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली प्रेस कर लें ताकि बहुत से इनोवेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके, एंड देन मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसको काइंडली अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करें, एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि आपको मेरा कौन सा मास्टरपीस का कौन सा डिजाइन अच्छा लगा। मैंने डिफरेंट सीडीज को यूज किया और डिफरेंट सीडीज पर मैंने रैंडम पेंटिंग्स की, और एक सीडी को एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ कस्टमाइज किया। और एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जब मैं पेंटिंग कर रही थी सीडीज पर, मुझे सीडीज ने बहुत तंग किया बिकॉज ये बार बार मूव कर रही थी ऊपर नीचे। सीडी के पीछे टेप लगाकर आप सीडी को अच्छे से स्टक कर लें, देन आप सीडीज पर पेंटिंग करें। इस तरह सीडी बार बार हिलेगी नहीं ऊपर नीचे और ना ही तंग करेगी। इस तरह आप बहुत आसानी से और इजिली पेंटिंग कर सकेंगे सीडी पर। रेनबो बनाने के लिए मैंने 000 सीरीज का ब्रश यूज किया है, ये बहुत ही इसके पिसल्स थिन है और बारीक है, जिसकी वजह से लाइंस बहुत अच्छी बन गई है रेनबो की, जैसे कि आप देख रहे हैं। मुझे ये रेनबो बहुत अच्छी लगी। आई होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।